क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये गॉम्ज क्लासिफिकेशन किस प्रिंसिपल पर काम करता है, वेट फॉर एज बच्चे की उम्र के हिसाब से, और इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, माल न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिशनल लेवल को असेस करने के लिए आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, गॉम्ज क्लासिफिकेशन ये ओनली एक ही प्रिंसिपल पर काम करता है, वेट फॉर एज उम्र के हिसाब से वजन। जैसे बच्चे का वजन है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ आपको पता होगा कि कितना होता है, 2.5 केजी से अबव होगा, मतलब बच्चे का वजन क्या है, नॉर्मल है। बच्चे का वजन नॉर्मल है, यदि 2.5 केजी से ज़्यादा निकला तो 2500 ग्राम से इससे कम निकलता है तो ये लो बर्थ बेबीज की कैटेगरी में आएंगे। यही वजन बच्चे का डबल होगा 5 से 6 महीने में, ट्रिपल होगा 1 साल में। अब यहाँ पर यदि वेट फॉर एज की बात करें हम, तो यदि मान लीजिए कि बच्चे की एज है, बच्चे की उम्र 5 साल है, उसका वजन 20 केजी के आसपास है, 20 केजी के आसपास है, क्योंकि डबल ट्रिपल 1 साल तक ही होता है, पर 4 गुना होने में 2 साल तक का समय लग जाता है, तो यहाँ पर फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये इसका हाइट से कुछ भी लेना देना नहीं है, भी याद रखना है। और यहाँ पर इसको 3 डिग्री में डिवाइड किया जाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस को। यदि जो वेट फॉर एज मतलब उम्र के हिसाब से जो वजन है मोर देन 90% तक आता है, यदि जो कैलकुलेट करके आप निकालेंगे इसमें 90% तक आएगा, मतलब कि क्या है, बच्चा नॉर्मल है। लेकिन यदि PEM मतलब कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का केस है, तो यही जो वेट फॉर एज है उम्र के हिसाब से, और यहाँ पर किस चीज़ में है, यह परसेंटेज में, किसमें, परसेंटेज में, तो यह आएगा 75 से 90 तक, कितना, 75 to 90 तक। सेकेंड डिग्री है तो 60 से 75, लेस देन 60 मतलब थर्ड डिग्री, और थर्ड डिग्री में यहाँ पर जो क्लास होगी, थर्ड डिग्री में कहा गया है कि थर्ड डिग्री के सभी क्लास में एडिमा देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जनरली फेस पर, लेग में, हैंड पर, तो यहाँ पर क्या होगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। सो आपको ओनली बेसिकली यही याद रखना है कि इसका जो प्रिंसिपल काम है वो क्या है, वेट फॉर एज, इसका हाइट से लंबाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। ओनली थर्ड डिग्री जो यहाँ पर PEM है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, उसमें एडिमा का जो एक क्लासिकल साइन होगा, बाकी फर्स्ट और सेकेंड में नहीं होगा। यदि मोर देन 90% है, मतलब बच्चे की जो अकॉर्डिंग टू एज और वेट दोनों क्या है, सही सॉर्ट है, यदि 75 से 90 है फर्स्ट डिग्री PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में आपका आएगा यहाँ पर एज और वेट दोनों कंडीशन यहाँ पर क्लासीफाई की जाएंगी। थैंक यू।